भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच यानी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच मेलबर्न में आज से शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर फिलहाल 100 के पार पहुंच चुका है और करीब 40 ओवर का खेल आज का समाप्त हो चुका है। फिलहाल ट्रेविस हेड और मानस लेबुशेर ने पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन की सबसे बड़ी विकेट थी स्टीव स्मिथ की। दरअसल स्टीव स्मिथ का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। उन्होंने करीब 12 टेस्ट मैचों में 1431 रन भारत के खिलाफ बनाए, जिसमें 7 शतक शामिल। लेकिन आज के मुकाबले में भारत को बाउंस बैक के लिए स्टीव स्मिथ का विकेट जरूरी था और वो विकेट दिलाया यहां पर रविचंद्रन अश्विन ने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर। दरअसल अश्विन ने लेग स्लिप लगा रखी थी और स्टीव स्मिथ वहां पर शॉट खेलने के लिए जा रहे थे। अश्विन ने एकदम से थोड़ी सी फ्लिपर डिलीवरी डाली जो थोड़ी बाउंस हुई। स्टीव स्मिथ लेग स्लिप की ओर खेल बैठे और चेतेश्वर पुजारा ने उनका शानदार कैच लपक लिया। स्टीव स्मिथ ये पहला मौका था जब भारत के खिलाफ पहली बार शून्य पर आउट हुए थे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने एक बार फिर भारत को ये बड़ी सफलता दिलाई। हालांकि भारत ने जो मैच में पकड़ बना रखी थी वो अब ऐसा लगता है कि ढीली पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो मैच में पकड़ कर रखा हुआ था टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को, अब ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम बाउंस बैक कर रही है। मानस लेबुशेर और ट्रेविस हेड के बीच एक अच्छी साझेदारी। ट्रेविस हेड जैसे कमजोर बल्लेबाज को अगर भारतीय टीम ने नहीं निपटाया तो फिर ये भारतीय टीम पर भारी पड़ते भी नजर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि टीम इंडिया अब यहाँ पर और क्या धमाल मचाती है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।